नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अंडमान निकोबार में पिछले 24 घंटे में COVID-19 से 9 नए मामले सामने आए। भारत में कोरोना केस 6 लाख के पार, सिर्फ 6 दिन में आए 1 लाख नए मरीज। हरिद्वार पहुंचे कांवड़िए तो 14 दिन होंगे क्वारंटीन, नहीं मिलेगा जल। पाकिस्तान के राजधानी में बन रहे सबसे पहले मंदिर के खिलाफ जारी हुआ फतवा। उत्तराखंड में कोरोनिल दवा पर केंद्र सरकार और पतंजलि को हाईकोर्ट का नोटिस। सुसाइड के वक्त सुशांत के घर में ही मौजूद थे सिद्धार्थ, पुलिस ने की पूछताछ। 59 चीनी ऐप बैन को हाई लेवल कमेटी ने माना सही, कंपनियों को मिलेगा एक मौका। सोपोर आतंकी हमले में सीकर का जवान शहीद, 6 महीने पहले ही हुआ था प्रमोशन। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 50,000 नए मामले। तुतीकोरिन केस में पिता पुत्र के हिरासत में मौत मामले में 2 अन्य पुलिसकर्मी गिरफ्तार। गाजियाबाद के कार्डबोर्ड पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी आग, कोई हताहत नहीं। उत्तर प्रदेश के सरकारी वाहनों में अब पेट्रोल कार्ड से मिलेगा डीजल। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख नरवरे कल जाएंगे लद्दाख। चीनी ऐप बैन किए जाने पर बौखलाया चीन, भारत को दी ट्रेड वॉर की धमकी। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए एकजुट फैन, CBI जांच की मांग हुई तेज। अलादीन फेम एक्ट्रेस अवनीत कौर ने छोड़ा शो, लिखा इमोशनल गुडबाय नोट। कोच सिल्वरवुड ने माना कि कप्तान के रूप में बेहतरीन साबित होंगे स्टॉक। रिपोर्ट के अनुसार उइगर महिलाओं की जबरन नसबंदी करवा रही चीन सरकार। अब निजी कंपनियां चलाएंगी 109 जोड़ी यात्री ट्रेनें, सरकार ने मांगे आवेदन। अनलॉक 1 का असर, जून में बेरोजगारी दर घटकर 10.99% पर आई। नितिन गडकरी ने कहा कि हाईवे प्रोजेक्ट्स में बैन होगी चीनी कंपनियां। पटरी पर लौट रही इकोनॉमी, जून में 90,000 करोड़ के पार GST कलेक्शन। तेज रफ्तार से अनियंत्रित हुई कार, दुकान में घुसी 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। LSE पर चीन के साथ बढ़ा तनाव, पश्चिमी मोर्चों को लेकर भी सतर्क हुई भारतीय सेना। GVK समूह के चेयरमैन और उनके बेटे के खिलाफ CBI ने दर्ज किया मामला।